check the site. Today I'm again here with my new recipe, that is namkeen gujia. Let's get started. Okay, now our first step is 1 cup of maida, which is all-purpose flour. ये हम अपनी नमकीन गुजिया के लिए रेडी कर रहे हैं एंड दिस इज 2 स्पून ऑफ घी व्हिच इज आल्सो नोन एज क्लेरिफाइड ऑयल. नाउ वी हैव टू नीट आवर डो नाइसली. ये लगभग हमारा पूरी का जैसे डो बनाते हैं वैसे हो और इस प्रोसेस को म्यून बोलते हैं. नाउ अब हमारा घी इसमें अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है. नाउ वी हैव टू ऐड 1 कप ऑफ वाटर बट थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में लाइक दिस. एंड गुजिया के लिए इसका डो इज द मेन पार्ट. इसमें आपकी मिस्टेक हो गई देन योर होल गुजिया विल बिकम अ डिजास्टर. वन कप वाटर भी नहीं जाता है इसके अंदर. नियर अबाउट 3 to 4 टी स्पून. आवर नीटिंग इज कंप्लीट बट नॉट फुली. नाउ वी नीट इट इन दिस बोर्ड. नीट इट फॉर 5 मिनट्स. ये नीटिंग प्रोसेस हम अपने बाउल में नहीं कर सकते थे दैट इज व्हाई वी हैव शिफ्टेड आवर डो इन दिस बोर्ड. नाउ आफ्टर 5 मिनट्स आवर नीटिंग प्रोसेस इज क्लियर. अब हम इसको 10 to 15 मिनट्स के लिए रेस्ट पर रखेंगे. फॉर दिस वीडियो मैंने ये पहले से ही 15-20 मिनट्स के रेस्ट पे जो प्रिपेयर करा हुआ था ये कंसिस्टेंसी में आ जाएगा लाइक दिस. जैसे पूरी वाला आटा होता है नॉट टू हार्ड नॉट टू सॉफ्ट. नाउ कीप इट असाइड एंड मूव टुवर्ड्स आवर फिलिंग. नाउ आवर फर्स्ट स्टेप इज 1 कप ऑफ खोया. हमें इसे रोस्ट करना है लिटिल कलर चेंजिंग प्रोसेस का. दिस इज आवर 50 ग्राम्स ऑफ खोया. खोया इज परफेक्टली डन. चलिए अब गुजिया बनाना स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे हमने इंग्रेडिएंट्स लिए हैं हमारा नीट किया हुआ डो. ये मेरी हल्दीराम्स की नवरत्न नमकीन. ये खट्टी मीठी सेम ऑफ हल्दीराम्स. ये हमारा खोया वाटर एंड ड्राई रोस्टेड आमंड्स एंड कैश्यूज. आप नमकीन अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं. आई लाइक दिस तो मैं ये यूज़ कर रही हूँ. आप इसमें से कोई और भी यूज़ कर सकते हैं. चलिए नाउ टुक स्मॉल अमाउंट ऑफ आवर डो. फर्स्टली आप अपने इसको पाम पे ही प्रेस करें. कोई ज़रूरी नहीं है कि ये गोल हो. ओके जब ये थोड़ा सा शेप में आने लग जाए थोड़ा सा हैंडी हो जाए देन
शिफ्ट इट टू योर बोर्ड। अच्छा, इसकी इम्पॉर्टेंट बात कि आपने इसकी एजेस को ज़्यादा पतला रखना है इन टर्म्स ऑफ अंदर का पार्ट। ये अभी स्टेज पर स्टिक करता है आपकी रोलर को, बट डोंट यूज़ एनी ऑयल और समथिंग, क्योंकि ये हमारे डो को ज़्यादा सॉफ्ट कर देगा, जिससे डीप फ्राई करते टाइम पर हमारा गुजिया फटने का डर रहेगा। इसकी एजेस पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एजेस डबल लैप होंगी और वो थिकनेस ले लेंगी। अब जो गुजिया फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं वो इसे थोड़ा केयरफुली बनाना, एज लाइक कि इस सेंटर से कभी टूट जाता है। ओके, रेडी विद दिस सॉफ्टली आप इसे अपने हैंड पे रखिए। टेक सम पार्ट खोया, जितना आपने अपना डो लिया था उसे थोड़ा कम होया, और इसे ऐसे लंबा कर दीजिए, क्योंकि ये गुजिया के हर बाइट में आना चाहिए। टाइम फॉर आर कटिंग थीम की। एक बात कि इसमें छोटे पीसेस ही डालें, जैसे ये हैं, इसे अवॉइड करें। इसमें भी छोटे छोटे पीसेस डालें, अवॉइड द लार्ज वन। नाउ टर्न योर गुजिया, अप्लाई सम वाटर on the edges. आप ये काम अपना मोल्ड में भी कर सकते हैं, जो हमारा गुजिया का मोल्ड आता है, बट आई लाइक टू डू इट विद माई हैंड्स, इससे ज़्यादा अच्छी शेप आती है। ओके, आप ये गुजिया ऐसे भी सर्व कर सकते हैं। वाह, आई लव इट, इज लुकिंग, बट हम इसे थोड़ी सी शेप देंगे। नाउ लुक हाउ टू गिव द शेप टू दिस, स्लाइटली फ्लैटन द एजेस, टर्न इट अगेन फ्लैट, अगेन टर्न फ्लैट, टर्न टर्न turn turn flatten turn flatten turn flatten turn flat and turn flat and turn and ये हमारा लास्ट है, तो इसमें हम थोड़ा सा पानी लगाएंगे, जिससे ये दोबारा से खुल ना जाए फ्राई करते टाइम पर। Keep it aside. इसी प्रोसेस से हम अपनी 3-4 और बनाएंगे and we fry them up. Now we are ready with our frying process. हमारा और इसमें हॉट हो गया है, अब हम आराम से अपनी एक एक गुजिया इसमें डालेंगे। Very safe technique.
ये गुजिया की शेप की वजह से ये थोड़ा टर्निंग में प्रॉब्लम करता है, सो आप एक एक गुजिया को टर्न ओवर करके इसे पकड़ के रखिए। Now we are ready with our dish, that is namkeen gujia. ये हमारा all time dish है, आप इसे किसी भी occasion पे बनाएं, tea time के साथ भी ये perfectly suitable है। अब मैं आपको एक इसे look, my god, this is so delicious. मैं तो इसे ऐसे ही खाने वाली हूँ। Oh my God, this is so yummy. जिन लोगों को मीठा नहीं पसंद होता बट फिर भी दे वॉन्ट टू ईट गुजिया, दिस इज द परफेक्ट रेसिपी दैट यू कैन फाइंड। इफ यू लाइक माई वीडियो, इफ यू लाइक माई रेसिपी, डोंट फॉरगेट टू लाइक, comment and share, and I think अब तक तो आपने subscribe कर ही दिया होगा। I upload my videos on every Saturday or Sunday. Don't forget to check it out. Bye bye. See you soon with another interesting recipe.